वेपन्स की तरफ, सेंसर्स की तरफ और नई टेक्नोलॉजीज की तरफ बहुत फोकस रहेगा। जब भारत 2047 में विकसित भारत होगा तो भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी। आने वाले समय में हमारे देश के लिए कुछ चुनौतियां हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। बीआरओ को रक्षा बलों या सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों का ही नहीं बल्कि राष्ट्र के भाई की संज्ञा देकर सम्मानित किया। रक्षा मंत्री जी का स्पेशल अटेंशन और कंसर्न इस सर्विस के लिए हमेशा हाई रहा है, क्योंकि जो भी समुद्र में घटना होती है उसमें आईसीजी फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश ने लोकतंत्र का महापर्व मनाया, इसका हिस्सा बनकर हमने और आपने अपने मत से यानी वोट से देश की बागडोर किसे सौंपनी है इसका फैसला किया। 4 जून को नतीजे आए, लोगों ने एक बार फिर लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया। 9 जून को नई सरकार ने शपथ ली और इसके बाद ही एक बार फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जिम्मा दिया गया श्री राजनाथ सिंह जी को। हमें सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूं इसकी सूत्रधार शैलजा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जी हां, अपने प्रण को पूरा करने के लिए, देश के डिफेंस सेक्टर को और पावरफुल बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता के नए आयाम पर पहुंचने के लिए और दुनिया भारत को जिस विश्व बंधु की दृष्टि से देख रही है उस भाव को और मजबूत करने के लिए श्री राजनाथ सिंह जी एक बार फिर रक्षा मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं और रक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संजय सेठ जी। पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है। सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है जो कि हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है और मेरा तो टारगेट यह है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है, हमारी तीनों सर्विसेज की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है, तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व। ये आवाज है देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की। साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में एक बार फिर से पदभार संभालते समय उन्होंने अगले 5 साल के लक्ष्यों को आउटलाइन कर दिया। दृश्य देखकर बिल्कुल साफ था, रक्षा के लिए राजनाथ 2.0 आ चुके हैं एक नए विजन के साथ और उन्हें इस बार साथ मिला है रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, हमारे अभिभावक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में देश हर रोज नए आयाम गढ़ रहा है। हालात पिछले 5 वर्षों में बहुत बेहतर हुए हैं, पर अब इसे तेजी से और आगे ले जाने के लिए श्री राजनाथ जी के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय आगे बढ़ेगा। भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को सुदृढ़ बनाने के लिए आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बार के टेन्योर में क्या क्या खास होगा, अगले 5 वर्षों में हम किस तरह विजन को पूरा करने में सक्षम होंगे, भारत रक्षा क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि विश्व स्तरीय क्षमता भी विकसित करेगा, इन सभी मुद्दों पर हमने सशक्त बलों के क्षेत्र विशेष के वरिष्ठ लोगों से बात की और जानना चाहा कि वो क्या सोचते हैं, नीति और नियत को कैसे समझते हैं और इस नई यात्रा को कैसे देखते हैं। तो आइए आप और हम मिलकर जानते हैं कि कैसे पिछली नीतियों और योजनाओं से हमारे देश की सुरक्षा सुदृढ़ हुई और भारतीय रक्षा उद्योगों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको प्राउड फील कराएगी बल्कि आपको आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों की डिटेल में जानकारी भी देगी।
आइए मिलकर समझते हैं कि कैसे श्री राजनाथ सिंह जी की लीडरशिप में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले सभी सम्मानीय गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि आज हमारे साथ कौन कौन है। वी हैव एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वाइस एडमिरल SN घोरमड़े, रिटायर्ड फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, रिटायर्ड। ही सर्व्ड एज चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स, लेफ्टिनेंट जनरल R. चौधरी, रिटायर्ड। एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड DG वीरेंद्र सिंह पठानिया, रिटायर्ड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी से मेरा एक ही सवाल है, श्री राजनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को अपनी प्राथमिकता बनाया है, पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो अब आप देश को कहां खड़ा पाते हैं और आगे आने वाले समय में क्या पॉजिटिव संभावनाएं हैं? RKS भदौरिया सर, आप क्या कहेंगे? यह भारत का सौभाग्य है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और श्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाला है। मैं देखता हूं कि जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है रिफॉर्म्स पे, मॉडर्नाइजेशन पे, कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे और आत्मनिर्भरता पर, इस सब में आने वाले 5 सालों में मैं और तेजी देखता हूं। बहुत जल्द ही जहां तक इंटीग्रेशन का सवाल है, कुछ बड़े निर्णय, कुछ बड़े कदम सामने आएंगे। इसी के साथ वेपन्स की तरफ, सेंसर्स की तरफ और नई टेक्नोलॉजीज की तरफ बहुत फोकस रहेगा। हमें 6th generation टेक्नोलॉजीज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जो नए नए एरियाज आए हैं, चाहे वो ड्रोन्स के क्षेत्र में हो, अनमैंड एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में हो, अनमैंड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मैंड अनमैंड टीमिंग की तरफ जो कदम बढ़ाए गए हैं, वो इनिशियल स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं। आई थिंक एक और बड़ा फोकस भारतीय वायुसेना का रहेगा, जहां तक नेटवर्किंग का सवाल है, न्यू टेक्नोलॉजीज का सवाल है, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो, चाहे सिक्योर नेटवर्क्स हो, और स्पेस बेस्ड एसेट्स को कैसे ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाए, 24/7 विजिबिलिटी कैसे अचीव किया जाए, मिनिमम खर्चे पे मैक्सिमम कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, इन सब में बहुत बड़ा फोकस रहेगा। वाइस एडमिरल SN घोरमड़े सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या अनुभव रहा? पिछले 5 वर्षों में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए अत्यंत प्रगतिशील रहा है। भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं जैसे कि IDEX, स्वावलंबन 1 और 2 और स्प्रिंट में बहुत इनोवेशंस में प्रगति की। भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को भारत के प्रधानमंत्री ने कमीशन किया और विश्व के 6 गिने चुने विकसित देशों में भारत को जोड़ दिया। नौसेना ने उसके बाद भारतीय LCA नेवी को अपने ही स्वदेशी विक्रांत पर लैंड करके हमारे देश की काबिलियत को दर्शाया। हमारी सशस्त्र सेनाएं भाग्यशाली हैं कि श्री राजनाथ सिंह जी ने दूसरे कार्यकाल के लिए रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला है। अगले 5 सालों में नौसेना और भी मजबूत युद्ध के लिए तैयार नौसेना होगी। इसमें एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, आधुनिक पनडुब्बियां, नेटवर्क सेंट्रिक अनमैंड और साइबर सेफ कैपेबिलिटीज होगी। जब भारत 2047 में विकसित भारत होगा तो भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ सर, पिछले 5 वर्षों की नीतियों और आगे आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज आप देखते हैं, नेतृत्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी समझ से श्री राजनाथ सिंह जी का दोबारा रक्षा मंत्री बनना अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है। आने वाले समय में हमारे देश के लिए कुछ चुनौतियां हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। दोनों तरफ से पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर्स सक्रिय हैं और राजनाथ सिंह जी पिछले 5 साल में बतौर रक्षा मंत्री, उनको इन सब की अच्छी तरह से समझ है। इंडियन आर्मी की सबसे पहली प्रायोरिटी है देश की अखंडता को कायम रखना। इसके लिए हमें अपने दोनों बॉर्डर्स यानी चीन और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स हैं उन पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक तरफ LAC पर चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है और हमारी अपनी डिप्लॉयमेंट भी उनके बराबर, उनके मुकाबले में लद्दाख पे डटी हुई है। दूसरी तरफ LOC से पाकिस्तान
उग्रवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराता है और उसके खिलाफ हमें सख्त एक्शन लेना है। जैसे कि हम देख रहे हैं हाल ही में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जम्मू कश्मीर में बढ़ गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आर चौधरी सर, आप अब तक के काम को, बदलाव को और विकास को किस तरह से देख रहे हैं? हाल के दिनों में सीमावर्ती बुनियादी ढांचों को मजबूत करने में बीआरओ का क्या योगदान रहा? मैंने माननीय रक्षा मंत्री की नेतृत्व शैली को बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत कुछ सीखा भी है। बीआरओ के अच्छे काम की हमेशा प्रशंसा करके उन्होंने बीआरओ कर्मयोगियों का मनोबल कई गुना बढ़ाया। उन्होंने बीआरओ को रक्षा बलों या सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों का ही नहीं बल्कि देश का ब्रो यानी राष्ट्र के भाई की संज्ञा देकर सम्मानित किया। उनके कार्यकाल के दौरान 52,975 करोड़ रुपए के बजट का व्यय किया, जितना बीआरओ उससे पहले के 12 सालों में कर पाया था। माननीय रक्षा मंत्री जी ने गत 3 वर्षों में बीआरओ के आर्मी बजट में 160% की वृद्धि की और 330 बुनियादी ढांचों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें 74 सड़कें, 245 पुल, 2 सुरंगें, 2 हवाई पट्टियां एवं 7 अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं। और भविष्य में क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? आने वाले वर्षों में बीआरओ अपने कार्य की गति और बढ़ाने वाला है। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय रक्षा मंत्री महोदय के दूसरे कार्यकाल में बीआरओ की कार्यशैली में और सुधार लाए जाएंगे। बीआरओ विदेश विंग, जो रक्षा मंत्री जी की मनपसंद परियोजना है, का निर्माण निकट भविष्य में संभव है। बीआरओ फंडिंग में भी और वृद्धि की आशा है। बीआरओ रिफॉर्म्स पर एक व्यापक अध्ययन किया गया है जो जल्द ही रक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा, जिससे सैंक्शनिंग प्रक्रिया आसान होगी। कुल मिलाकर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बीआरओ के लिए रक्षा मंत्री जी का दूसरा टर्म अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जी, डीजी वीरेंद्र सिंह पठानिया सर, मेरा आपसे सवाल है कि इंडियन कोस्ट गार्ड पिछले 5 वर्षों में कितनी मजबूत हुई है और आगे आने वाले समय में आप क्या पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, क्या स्वरूप होगा? रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी इज अ वेरी अप्रोचेबल लीडर। उनको सर्विस चीफ्स पर बहुत फेथ और कॉन्फिडेंस रहा है। उनके नेतृत्व में इंडियन कोस्ट गार्ड ने पिछले 4-5 साल में बहुत तरक्की की है। उनके डायरेक्टिव्स हमेशा क्रिस्टल क्लियर और फोकस्ड होते हैं एंड हैज ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी टू स्ट्रेंथनिंग द यूनिट्स सरफेस एंड एयर एंड वेलफेयर ऑफ मैन ऑन ग्राउंड वेदर दे आर पोस्टेड ऑन द शिप्स और सर्विंग इन द यूनिट्स अशोर। अंडर हिज एबल लीडरशिप ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी हैज सपोर्टेड द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड सर्विस हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली। आज इंडियन कोस्ट गार्ड में 170 से ज़्यादा शिप्स और 80 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं। पिछले 2 सालों में 6 कासा 295 और 112 समुद्री जहाज़ों को अक्वायर करने का अप्रूवल भी दिया गया है। ये हमारे को सर्विस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और उनकी जो एफर्ट्स एट सी है उनको अनमैच्ड कैपेबिलिटीज़ देगा। ICG बहुत ही छोटी सर्विस है जिसे हम फोर्थ आर्म फोर्स कहते हैं। रक्षा मंत्री जी का स्पेशल अटेंशन और कंसर्न इस सर्विस के लिए हमेशा हाई रहा है, क्योंकि जो भी समुद्र में घटना होती है उसमें ICG फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है। जी, हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार रक्षा क्षेत्र को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ने वाली, इसका संकेत श्री राजनाथ सिंह जी ने पदभार संभालते ही दे दिया। सरकार रक्षा निर्माण और निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए फिर से समर्पित है। काम, बदलाव और विकास को लेकर ये सरकार काफी सक्रिय रही है। बजट में भी कोई कमी नहीं रखी गई है, इसका अंदाजा फरवरी में आए अंतरिम बजट से लगाया जा सकता है। वर्ष 2027 तक विकसित भारत के ध्येय से फरवरी में आए अंतरिम बजट को देखें तो उसमें हमने देखा कि आत्मनिर्भरता और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में डिफेंस बजट 6,21,540 करोड़ रुपए है, जो कि कुल केंद्रीय बजट का 13.04% है। आत्मनिर्भरता की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर्स और DPSU सहित रक्षा उद्योगों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।
मैं आपको बता दूं कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और 2027 का लक्ष्य तो आपने रक्षा मंत्री जी से सुन ही लिया। हमारे सभी विशिष्ट मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों को हमारे माध्यम से देश के साथ शेयर करने के लिए। श्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा उत्पादन और विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि भारत अपने ही संसाधनों और तकनीकी क्षमता का उपयोग करते हुए शक्तिशाली रक्षा उपकरणों का उत्पादन करे। विश्व के आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभर रहा है जो न सिर्फ स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है। निकट भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि भारत अब सशक्त है और आत्मनिर्भरता की ओर और तेजी से बढ़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।